पोचक बनाया है, बिल्कुल एकदम राउंड शेप का बना है। और ये हमें ध्यान रखना पड़ता है जब पोचक हमारा होता है उसके जो अंदर का जो येलो पार्ट हो बिल्कुल सॉफ्ट हो। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगा यहाँ पे, थोड़ा सा आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमारा जो पोच एग है वो रेडी होना चाहिए। तो अब मैं आपको अपने वर्किंग स्टेशन पे लेके चलता हूँ और हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से आसानी से ईजिली आप पोचक बना पाएंगे। और हम लोग पोचक बना रहे हैं, यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया है। आपको हमेशा ध्यान रखना है पानी आपको इतनी मात्रा में लेना है कि आपका अंडा, ये पूरा अंडा उसमें डूब जाए। हम लोग गलती करते हैं, हम लोग जो नॉर्मल हमारा जो अंडे बनाने का ऑमलेट पैन होता है वही लेते हैं और उसमें बहुत ही कम पानी डालते हैं। तो ज़्यादा पानी डालना है आपको, एटलीस्ट इतना कि अंडा डूब जाए। सेम यहाँ पे मैं इसमें अब सॉल्ट मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। सॉल्ट मैं इसमें डालता हूँ यहाँ पे, लगभग 15 ग्राम करीब मेरा सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे विनेगर, लगभग मैं यहाँ पे 30 ml मैं विनेगर ले रहा हूँ। 30 ml का मतलब मेरा 2 चम्मच मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक और ये दो, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो लेमन या विनेगर और सॉल्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं अंडे की कॉगुलेशन के लिए, मैं मिक्स कर देता हूँ इसको। कॉगुलेशन का मतलब होता है कि जो अंडे का जो येलो पार्ट है और वाइट पार्ट है वो आपस में ही जुड़ा रहेगा, अंडा सेपरेट नहीं होगा। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है जब आप पोचक बना रहे हो तो आपको अंडे को कुछ समय के लिए, एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए बाहर निकाल के रख लेना है। ये ना हो कि आप डायरेक्ट फ्रिज में से अंडे निकाल रहे हैं और उसका पोचक बना रहे हैं, तो वो भी आपका नहीं बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पर पानी लगभग गर्म हो गया है, तो ये लगभग 100 डिग्रीज का सेल्सियस का टेम्परेचर हो चुका है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस या फिर जो हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है। और ये स्टेज होती है हमारी पोचिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट। यहाँ मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर देता हूँ, इसको मैं गोल गोल घुमा दूंगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो अंडे को है मैं एक छोटे कप में तोड़ दूंगा, आप चाहे ग्लास में तोड़ सकते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इस तरीके से ही करना है, ठीक है। उसके बाद आप ईज़िली डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे जो पैन के साथ ही तोड़ के कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये मेरा अंडा है यहाँ पे, अंडे को मैं इसमें धीरे धीरे करके इसमें मैं डाल दूँगा, ठीक है जी। और आपको डाल देना है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और आपको सिर्फ अब क्या करना है, आपको यहाँ पे वेट करना है। तो मैं पानी को फिर से थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए पानी को थोड़ा सा मैं सिमर पर लगा देता हूँ। अब आप देखेंगे जो ये हमारा वाइट वाला पार्ट है वो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। और कोशिश करनी हमें रहती है कि जो हमारा हमारा जो येलो पार्ट है वो सॉफ्ट ही रहे, ठीक है। और होटल्स में अगर आप देखेंगे ये बहुत ही कॉमन डिश होती है, जितने भी होटल में आप चले जाएंगे ब्रेकफास्ट में अंडों की ट्रॉली लगती है वहाँ पे इस डिश का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इवन अलाकार्ट के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब कुछ समय के बाद ये अंडा लगभग आप 1 मिनट आप बोलेंगे अपने आप ही ये हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ही इजी होता है। आप चाहे तो इसको भी अपने जो फूड ट्रायल्स में दे सकते हो, पोच एग्ड के साथ आप टोस्ट दे सकते हो, ठीक है। आपके पोच एग की एक और डिश बनती है जिसको कि हम लोग एग बेनेडिक्ट बोलते हैं, जिसमें जो इंग्लिश मफिन होती है उसके साथ हम लोग पोच एग रखते हैं हमारे, जो फिर उसके बाद हॉलैंडाइज सॉस डाली जाती है हमारी, हॉलैंडाइज सॉस का एक डेरिवेटिव होता है वो बेयरनिस सॉस होती है वो डाली जाती है, साथ साथ उसके ऊपर हम हैम रखते हैं। अब आप देखेंगे अंडा धीरे धीरे करके, अगर आप कैमरे में अगर सही ढंग से आ पा रहा है, ठीक है, आप देखेंगे ये हमारा अंडा ऊपर आने लगा है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार के अब इसके अंदर बबल्स नहीं है, ठीक है, पानी के अंदर ज़्यादा हरकत नहीं है, ठीक है। और ये देखिए ये बिल्कुल अंडा बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से है, ये देखिए वाह वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा पोच एग लगभग तैयार हो गया है। 1 मिनट करीब और लगेगा इसको, आप देखेंगे लगभग 4 मिनट के अंदर ही हमारा ये पोचक रेडी हो गया है। और एक साथ आप कई सारे 5-6 पोचक बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपका जो ये बर्तन है वो कितना बड़ा है। देखिए आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा क्या आपने कभी पोचक बनाया है अपने क्लासेस में, ठीक है, या घर में कभी बनाया है। मैं तो अभी यहाँ घर में ही शूट कर रहा हूँ, तो ये सारा का सारा सेटअप जो है, और ये एक बेसिक रेसिपी हमारी हो जाती है और धीरे धीरे करके हम लोग और भी हमारी जो सारी की सारी जो रेसिपीज़ हैं वो धीरे धीरे करके बेसिक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। ये देखिए अब हमारा जो ये पोचक रेडी हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको निकलने दूंगा, यहाँ से पानी को निकलने दूंगा, साथ साथ मैं इस पैन को भी हटा लेता हूँ क्योंकि ये हमारा अंडा
बिल्कुल रेडी हो गया है और ये इस कटोरी में मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो टोस्ट वगैरह के साथ भी आप सर्व कर सकते हो। तो ये हमारा जो पोच एग है बिल्कुल रेडी हो गया है। होपफुली आप लोगों को इजी तरीके से समझ आया होगा और आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो पे आप तक अब तक बने पड़े हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो सबके साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है जी, चलिए जी, जय हिंद।